गाइज हमारे बीच में सुभाष है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और विकेट देख लिए, सीमेंटेड विकेट है और बैट्समैन भी अच्छा बैट्समैन है। तो आज मैं आपको सीमेंटेड विकेट पे, देखिए बॉल देखिए आप, पहले जस्ट लाइक कुकू बुरा शेप, सीम बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डोमिनेंट नाम की चीज़ नहीं, बिल्कुल दबा हुआ सीम है। इसी बॉलों से सीम से बॉल करा के ग्रिप कराना बहुत ज़्यादा टफ होता है अगर विकेट में बिल्कुल भी हेल्प ना हो और खासकर सीमेंट जैसी हो। लेकिन आज का टॉपिक क्या है कि सीम को कैसे कंट्रोल करें, सीम पे बॉल को कैसे चलाएं, क्योंकि ये बात काफ़ी बच्चे पूछते हैं और काफ़ी बच्चों की अर्ली एज में आती नहीं है। किसी का सीम ऐसे आता है, किसी का ऐसे आता है जस्ट लाइक आर्मर, और ऐसे आता ही नहीं है। सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ सुभाष के थ्रू, इनका बॉल सीम पे ऐसा अच्छा कैसा चल रहा है, लाइव डेमो देखिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। चलिए, दैट्स बॉलिंग। That's bowling. Top bowling. That's bowling. Top bowling. Drift in and pitching के बाद straight हुआ ball, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा कि क्रीज का कैसे यूज़ करना है, इस वीडियो में थोड़ा डिटेल नॉलेज देने की कोशिश रहेगी सीम को ठीक करने के साथ। ये जो नेक्स्ट बॉल है आपने क्रीज के कोने से डालना है। That's it. अब क्रीज के कोने से फेंका या ड्रिफ्ट हो रहा है, एंगल ज़्यादा मिल गया और पड़ने के बाद बॉल बैट्समैन की तरफ चलता चला गया जस्ट लाइक इनकमिंग, और यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी बैट्समैन को दिक्कत हो सकती है। फिर से देखते हैं इस बॉल में क्या होता है, क्या चीज़, क्या बिहेवियर में चेंज आ रहा है पड़ने के बाद बॉल के अंदर। चलिए, यस दैट्स गुड बॉलिंग, ये वाला स्पिन कम हुआ, सीधा रह गया। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, विकेट फ्लैट है, सीमेंट है, बड़ा चिकना सीमेंट अभी नया बना हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा ना क्रीज के पीछे से डालेंगे नॉर्मल और सामने से ही डालेंगे, ठीक है। चलिए, नॉर्मल क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग, थोड़ा पीछे से, ये दैट्स बॉलिंग। कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब पीछे से डाला तो बैट्समैन को लगेगा कि बॉल शायद दूर है, बट टप्पा इनका आ गई था तो वो गलती कर गए, पीछे खेले। लेकिन ठीक है, विकेट में ज़्यादा हेल्प नहीं है, अच्छा बाउंस आ रहा है, अच्छा पेस आ रहा है, तो बैट्समैन के लिए इजी है। बट थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा या थोड़ा सा भी बैट्समैन चूक कर गया, हार्ड मारने चला गया, तो कहीं ना कहीं ये जो हम वेरिएशंस करते हैं क्रीज का यूज़ करके, क्रीज के कोने का, बॉक्स का अच्छा यूज़ करके, तो कहीं ना कहीं हम बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं, और यही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब थोड़ा सा चीज़ें अगेंस्ट हों, कंडीशन अगेंस्ट हों किसी भी बॉलर के लिए। तो डालना है, ठीक है, क्रीज के कोने से ही फ्लाइट डालनी है बॉल। दैट्स बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। सीम को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से देखिए, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है, काफ़ी वर्क भी करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, और उनको लगता है कि यार एक दो दिन में प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। कहानी स्टेप वन से स्टार्ट करके स्टेप फाइव स्टेप दे दूंगा, अगर वो फाइव स्टेप आप समझते हैं, आप उस पर वर्क करते हैं, तो ये सीम है ना, सीम आपके कंट्रोल में चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलने वाली। देखिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी बॉलर के लिए, उसका फाउंडेशन, लोअर फाउंडेशन। देखिए जितना ज़्यादा आपकी लेग स्ट्रांग होगी आपका बैलेंस अच्छा होगा, पैरों के अंदर बैलेंस नहीं है कहने का मतलब है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि आप अपर बॉडी को भी अच्छे बैलेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आजकल बच्चे फिटनेस बहुत कम कर रहे हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि अपनी लेग्स को स्ट्रांग कीजिए, अपनी कोर को स्ट्रांग कीजिए, उससे होगा क्या, जब आप जोर लगाएंगे ना तो आप मतलब बैलेंस के साथ लगाएंगे, और वो बैलेंस आपको कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में एनर्जी को यूज़ करने के लिए हेल्प। और देखिए जितनी भी चीज़ें बैलेंस पर डिपेंड है, चाहे वो रिस्ट यूज़ हो, अब कई बार क्या होता है बच्चों का रिस्ट ऐसे कलैप्स होता है, ऐसे खुल जाता है आर्मर की तरह, कई बार ऐसे हो जाता है तो वहाँ अंडरकट हो जाता है, तो इसका क्या है, जस्ट लाइक है ना, आपको यूज़ टू बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए दो चार ड्रिल हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर की हुई है, बट आज कुछ डिफरेंट ड्रिल दे रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ क्या है, जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म ऑफ स्पिनर, जो भी फिंगर स्पिनर हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए जब भी आप बॉल डालते हैं ना, बॉल डाल रहे हैं या आप डालना चाहते हैं, तो अपना कभी भी टाइम मिलता है तो ऐसे बॉल घुमाना है, ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है तो ऐसे और ऐसे। इससे क्या होगा, आपका इंडेक्स फिंगर में थोड़ा स्ट्रेंथ क्रिएट होता रहेगा, और साथ साथ आप यूज्ड टू होते रहेंगे, जो कि ज़रूरी है। और उसके बाद आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे पकड़ा ये, अब जैसे ये लेफ्ट आर्म में सुभाष घुमा के दिखाएगा ऐसे ऊपर का, मैं लेफ्ट आर्म नहीं हूँ तो मेरा उतना अच्छा चलेगा, ऐसे ये
ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, आप कभी सोते जागते घर में कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन करे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपकी ये जो मसल्स हैं स्ट्रांग होंगे। और दूसरी चीज़, और ज़्यादा एडवांस बनाना है तो फोर आर्म्स स्ट्रांग कर लीजिए। अब फिंगर स्पिनर है तो ये मत सोचिए रिस्ट यूज़ नहीं होती, 50% रिस्ट यूज़ होती है, और अकॉर्डिंग टू कोई ज़्यादा स्किलफुल है तो 50+ भी जा सकती है चीज़। अब आपने देखा होगा ग्रैम स्वान, ये ठीक है, ये अब रिस्ट यूज होना और रिस्ट बैलेंस में यूज होने में फर्क है। बैलेंस में यूज कैसे होगा, जब आपके फोर आर्म्स स्ट्रांग होंगे। फोर आर्म्स के लिए देखिए मैंने एक्सरसाइज बता रखी है, अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो ऐसे बता देता हूँ, मेरे पास सामान नहीं है। देखिए आपने ना कोई भी 2 kg का प्लेट लेना है, मिल जाता है नियर बाय कहीं भी, और एक रॉड लेनी है, उसमें रस्सी बांधनी है और उसको लपेटना है पूरा, और फिर रिलीज करना लपेटना। आप इसको ना वीक में 3 दिन करिए और 3-3 सेट कीजिए, तो आपकी ये मसल जब स्ट्रांग होंगे ना तो आपकी फिंगर्स में भी जान होगी, आपके रिस्ट में भी जान होगी, और फिर जब जान होगी तो यार जान लगेगी भी और दिखेगी भी। और जब ये सिनारियो बनेगा तो आपको बॉलिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा, फील आएगा कि हाँ हाथ से कुछ मैं घुमा रहा हूँ। और स्पिनर का मतलब है हाथ से बॉल घूमना चाहिए, एयर में घूमना चाहिए, क्योंकि आपको अगर स्पिनर बनना है, आपको सिर्फ छोटे रन अप से स्लो बॉलर बनना है तो उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्रिकेट में, ठीक है ना। दो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तीसरी चीज़ ये होती है, कुछ बच्चों की पैरों में स्ट्रेंथ है, अच्छी बॉडी फिजिक है, सब कुछ है, लेकिन उनका क्या होता है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, उनका अलाइनमेंट बहुत लूज़ है। अगर वो लोअर अलाइनमेंट लूज़ है तो अपर बॉडी अलाइन नहीं करती है, नॉन बॉलिंग आर्म गलत डायरेक्शन में जाता है, तो वो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। बट इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब ये करता हूँ कि आप अपनी अलाइनमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए जो भी आपके पैर जब इम्पैक्ट हो रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा अलाइन है ये मैटर करता है, ये जितने अलाइन होंगे तो आपका फाउंडेशन बड़ा बैलेंस में रहेगा, आपकी एनर्जी सही लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, फ्री लगेगी, फ्रीलेस लगेगी, और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देगी, और वो बैलेंस आपको कंट्रोल देगा, आपकी एनर्जी को अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, सही डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए मजबूर करेगा, और आप एफर्टलेस बॉलर लगेंगे। तो इसमें क्या है, जिस बच्चों का थोड़ा सा अलाइनमेंट लूज़ हो रहा है, किसी का पैर ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, इसको काम कीजिए, कौन ला के बॉक्स बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ड्रिल दे देता हूँ, ये देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर जितने भी हैं, साइड ऑन बॉलर है तो ऐसे स्टांस लेना है, सेमी साइड ऑन है तो ऐसे स्टांस लेना है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में कौन है, पहले 3 ड्रिल दे दूंगा इसमें फटाफट, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ डिटेल दे दूँ इसमें। फर्स्ट ड्रिल में ऐसे स्टांस लेना है एंड देन रिलीज करना है, और ये जो यार्ड्स रहेंगे फर्स्ट ड्रिल के अंदर 10-12 यार्ड्स रहने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है, बैलेंस बहुत बेकार आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद जब आप ऐसे कम से कम 30 बॉल कीजिए, जब ये 3 ड्रिल का मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, पहले 30 बॉल करना है, उसके बाद ऐसे स्टांस लेना है एंड देन फिनिश करना है, ऐसे 30 बॉल ऐसे करनी है, और 30 बॉल्स में आपने क्या करना है, पैर ऐसे उठाना है, ये पैर उठाना है और ऐसे, अब देखना है जिसका पैर ऐसे आ रहा है, अगर ऐसे गिर रहा है अक्रॉस नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है, टैप 1 ठीक आ रहा है जी, देख लो एक दो बार, टैप 2, टैप 3, 3 या 4 पे फिर एकदम से फ्लो में ला के आप बॉल डालना है, पहले चेक कर लेना है। 30 बॉल इसकी करनी है, 90 बॉल्स का ये फॉर्मेट है, ये आप करेंगे तो आपकी जो मसल मेमोरी बैड थी ना वो इरेज होती जाएगी, और जो सही मसल मेमोरी है वो डेवलप होगी, और जब डेवलप होगी तो आप अलाइन होने लग जाएंगे, और जब अलाइन होंगे तो आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, और वो चीज़ आपको ख़ास और अलग बनाएगी, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आपने ऊपर लेवल की क्रिकेट के लिए जाना है। और चौथी चीज़ पता है क्या है, माइंडसेट। आप मेंटली कितने प्रिपेयर हैं, मेंटली आप क्या सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, वो टेक्निकल बात हो, मेंटल लेवल की बात हो, मैच ऑब्जर्वेशन की बात हो, या फिर आप कैसे विजुलाइज करते हैं जब आप प्रैक्टिस पे नहीं हैं फिर भी आप प्रैक्टिस में हैं, रात में सोने से पहले अपने एक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी बॉलिंग को लेकर क्या सोचते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए जल्दी से शॉर्ट में चीज़ें ख़त्म करता हूँ कि आपने ना पॉजिटिव रहना है। देखिए खिलाड़ी वही बनता है जिसमें सेल्फ बिलीव होता है, अगर सेल्फ बिलीव नहीं है तो आप खेलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर मैदान में उतर रहे हैं ना तो आप सोचिए कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। जब ये एटीट्यूड रहेगा तो स्टार्टिंग में चीज़ें वीक हो सकती हैं, ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं, लेकिन एटीट्यूड आपका जैसा होता है आप डे बाई डे वैसे इंप्रूव करते हैं, और चीज़ें भी आप वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी चीज़ कोचेज बता रहे हैं या कहीं से भी आप अपनी नज़रों से सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करके सीख रहे हैं, वो चीज़ आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अडाप्ट करते चले जाते हैं, और वही चीज़ आपको सही दिशा में नेचुरली ले जाती है। कोई भी बड़ा प्लेयर बन रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनके ऑब्जर्वेशन, सेल्फ बिलीफ, और उनका जो मैं 4-5 तरीके इस चौथे टिप्स में दिए हैं वो फॉलो करते हैं, एंड देन वो ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं और वो अपनी छाप छोड़ते हैं जैसे जैसे वो इंप्रूव करते चले जाते हैं।
पांचवी चीज फिर से आ रहा हूँ मैं, फिटनेस। फिटनेस का मतलब सबको पता है, फिटनेस करते हैं, फिटनेस का मैं सही आपको बेस बता देता हूँ। देखिए जब भी आप ना एक डिसिप्लिन, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ डेली फिटनेस कर रहे हैं ना, तो उससे पता होता क्या है। देखिए जब भी हम फिटनेस करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन बड़ा फास्ट हो जाता है, हमारी सारी चीज़ें जब स्वेट होती है ना, तो बैड फैट जब निकलता है ना, तो केमिकल अच्छे पॉजिटिव फील होते हैं, जनरेट होते हैं, और वो चीज़ हमें ऐसा फील करती है जब हम अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी फिटनेस कर रहे हैं, कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उड़ के कैच पकड़ सकता हूँ, मैं हिला दूंगा सामने वाले को। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जब आता है जब हम आग में हाथ डाल रहे हैं। आग में हाथ डालने का मतलब ये कि आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं। बच्चे वर्कआउट तो बहुत करते हैं, कैजुअल वर्कआउट किया, सीनियर सिटीजन की तरह गए और पूछा। अभी मैं पूछता हूँ बच्चों से, कहते हैं यार हम रोज वर्कआउट करते हैं। मैं एक दिन टेस्ट लेता हूँ, तो जब उसको बोलता हूँ एक मिनट में कितने रन मार रहे हो, 12 रन मारते हैं, उनकी एस्तेसी हो जाती है। तो ऐसा वर्कआउट नहीं करना। वर्कआउट के अंदर एक सेटअप देता हूँ। वर्कआउट का मीन्स पता क्या है, कि आप अगर ये सोचिए कि क्या रिक्वायरमेंट है एक एथलीट बनने के लिए, एक सुपर फास्ट एथलीट बनने के लिए। देखिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक मिनट में कितना शटल रनिंग मार रहे हैं, आप कितना किलोमीटर कितने कम टाइम में कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ टारगेट लिखिए और सोचिए इनको अचीव करना है। आप कितनी पुशअप्स मार सकते हैं एक बार में, आप कितने प्लैंक कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, फिटनेस बहुत लंबी है। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे चीज़ें अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक एडवांस मोड पर जा रहे हैं अपनी बॉडी को लेकर। और जब एडवांस मोड पर जाते हैं, तो सोचने का तरीका और मारने का तरीका भी एडवांस होता है, और वो एडवांसनेस आपको सुपर फास्ट बनाती है ग्राउंड के अंदर, अलग बनाती है ग्राउंड के अंदर। एजिलिटी आपकी अलग दिखती है, आपकी रिएक्शन पावर अलग दिखती है, और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है एज ए प्लेयर। ये 5 स्टेप्स, वीडियो लंबी है, 5 स्टेप्स अगर समझ लिए ना, तो कह रहा हूँ बहुत बड़ा सिनारियो समझ जाओगे। आज के लिए इतना, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।